नमस्कार दोस्तों, मैं आप सभी का दोस्त रानू एक बार फिर से स्वागत करता हूं आपके और हमारे इस YouTube चैनल स्मार्ट टेक में। दोस्तों, हर बार की तरह इस बार भी आज हम आप सभी के लिए एक बेहतरीन वीडियो लेकर आए हैं, तो वीडियो के साथ अंत तक बने रहिएगा। तो दोस्तों, जैसे कि वीडियो का थंबनेल देखकर तो आपको आइडिया हो ही चुका होगा कि आज हम किस टॉपिक पर बात करने वाले हैं। आज हम बात करने वाले हैं प्रिंट पोर्टल के बारे में। यहाँ पर दोस्तों, जैसे कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, यहाँ पर मैंने आधार कार्ड फिंगरप्रिंट के माध्यम से डाउनलोड करने की लगभग 3 पोर्टल यहाँ पर ओपन करके रखे। अब यहाँ पर मैं आपको क्लियर तौर पर बताऊं कि यहाँ पर ये पोर्टल वर्क तो करते हैं। यहाँ पर अगर आपके पास कोई कस्टमर आता है तो आप अपने कस्टमर को या फिर आप खुद का, अगर आपके पास फिंगरप्रिंट डिवाइस है तो यहाँ पर आप खुद का आधार कार्ड फिंगरप्रिंट के थ्रू डाउनलोड तो कर सकोगे, साथ ही साथ यहाँ पर आप उसे कहीं भी इस्तेमाल भी कर सकोगे। लेकिन यहाँ पर इन पोर्टल्स की कुछ काली सच्चाइयाँ ऐसी होती हैं जो कि किसी को पता नहीं होती हैं, और यहाँ दुकानदार, रिटेलर या फिर साइबर कैफे वाले धड़ल्ले से इन पोर्टल्स का इस्तेमाल करते हैं, जो कि उन कभी ना कभी उन्हें नुकसान पहुँचा सकता है और जेल के भी चक्कर लगवा सकता है। तो इसीलिए वीडियो के साथ अंत तक बने रहिएगा। तो दोस्तों, यहाँ पर मैं आपको सबसे पहले तो मैं आपको बता दूँ कि आखिर ये पोर्टल का वर्क किस तरीके से करते हैं। तो यहाँ पर आपने देखा होगा कि मान लीजिए एग्जाम्पल के लिए आयुष्मान कार्ड पोर्टल है, अगर आप CSC संचालक हो, आपके पास CSC है या फिर आपके पास एयरटेल पेमेंट बैंक, पेटीएम पेमेंट बैंक या फिर फिनो पेमेंट बैंक या फिर किसी भी बैंक का आप खाता खोलती हो या फिर आधार KYC करते हो, तो यहाँ पर आपने देखा होगा कि जब भी आप कस्टमर का आधार नंबर डालते हो और फिंगरप्रिंट कैप्चर करवाते हो, वहाँ पर कस्टमर की फ़ोटो तो आ ही जाती है, साथ ही साथ पूरी डिटेल भी आ जाती है, एड्रेस, फादर नेम, डेट ऑफ बर्थ, और आप यहां पर आधार से रिलेटेड किसी भी KYC को कंप्लीट कर पाते हो फिंगरप्रिंट के माध्यम से। तो ये पोर्टल उसी तरीके से आपके काम करते हैं। यहां पर ये पोर्टल क्या करते हैं, आधार कार्ड के थ्रू यहां पर थर्ड किसी पार्टी से यहां पर डेटा लेते हैं आधार KYC के बहाने, और उसी डेटा को अपने सॉफ्टवेयर के थ्रू यहाँ पर सेट करने के बाद आधार कार्ड के रूप में कन्वर्ट करके आपको दे देते हैं, और आप लोगों को लगता है कि आपका आधार कार्ड डाउनलोड हो चुका है। लेकिन यहां पर मैं आपको एक एग्जांपल देने की कोशिश करता हूं। अगर आप ऑफिशियल वेबसाइट के थ्रू आधार कार्ड डाउनलोड करोगे, आधार कार्ड के नीचे जो आपका ये वर्चुअल आईडी होता है, वो यहां पर वर्चुअल आईडी आपका ये पोर्टल नहीं दे सकेगा, और ना ही इस पोर्टल को किसी भी तरह की वर्चुअल आईडी की जानकारी होती है, ना ही प्रिंट करते वक्त आपको वर्चुअल आईडी देखने को मिलेगा और ना ही चेंज वर्चुअल आईडी देखने को मिलेगा। आपने देखा होगा कि जब भी आप ओरिजिनल आधार कार्ड की वेबसाइट के थ्रू, UIDAI की वेबसाइट के थ्रू आधार कार्ड डाउनलोड करते हो, तो यहाँ पर जो वर्चुअल आईडी होता है वो आपको हर बार एक नया वर्चुअल आईडी दिया जाता है, आप जितनी बार भी डाउनलोड करते हो, ठीक है ना। और यहाँ पर वर्चुअल आईडी लिखा भी रहता है, लेकिन यहाँ पर अगर आप प्रिंट आधार पोर्टल के माध्यम से, किसी भी तरह की प्रिंट आधार पोर्टल के माध्यम से आधार कार्ड डाउनलोड करते हो फिंगरप्रिंट के थ्रू, तो वहाँ पर वर्चुअल आईडी नहीं दिया जाता है, क्योंकि वो तो डाउनलोड ही नहीं कर रहा है, वो तो सिर्फ आपको KYC की मदद से उसकी जानकारी उपलब्ध करा के एक फॉर्मेट के रूम में आपको आधार कार्ड दे रहा है, तो आपको लगता है कि आपका डाउनलोड हो गया, ठीक है ना। ये तो होगी पहली हकीकत इन प्रिंट आधार पोर्टल्स की। अब यहाँ पर दूसरी हकीकत की बात की जाए तो दोस्तों, यहाँ पर काफ़ी ऐसे साइबर क्राइम चल रहे हैं जिनकी मदद से ये प्रिंट पोर्टल क्या करते हैं, आपके आधार कार्ड का क्लोन बना लेते हैं, और आप जो फिंगरप्रिंट पर डिवाइस पर फिंगरप्रिंट रखते हो ना, तो उसका जो डेटा होता है फिंगरप्रिंट का, वो ये वेबसाइटें सेव कर लेती हैं, और फिर बाद में इन्हीं सेव किए गए डेटा के थ्रू यहाँ पर ये लोग बड़े बड़े क्राइम को अंजाम देते हैं, जैसे कि आपके आधार कार्ड के थ्रू पैसों की निकासी, आपके बैंक अकाउंट को खाली कर देना, आपके थ्रू फर्जी पैन कार्ड बनाना, या फिर आपके आधार कार्ड के थ्रू और भी कई ऐसे फर्जी काम करना जिसकी मदद से इन लोगों को फ़ायदा हो सके। तो इसीलिए मैं आपको एडवाइस दूंगा, अगर आप एक कस्टमर हो तो कभी भी फिंगरप्रिंट के माध्यम से अपना आधार कार्ड डाउनलोड ना करवाएं, और अगर आप एक दुकानदार हो, रिटेलर या फिर साइबर कैफे वाले हो, तो कभी भी इन पोर्टल्स का इस्तेमाल ना करें, क्योंकि आप करने को तो कर लोगे लेकिन कल के दिन कोई दिक्कत आएगी तो यहाँ पर आप इन दिक्कतों से निपट नहीं पाओगे। तो इसीलिए मेरी सलाह माने, इन प्रिंट पोर्टल का इस्तेमाल ना करें। लीगल तरीके से जो UIDAI की वेबसाइट से आधार कार्ड डाउनलोड करने का प्रोसेस होता है, उसी प्रोसेस के माध्यम से आधार डाउनलोड करें। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों, यहाँ पर आज की ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कमेंट करना ना भूले, साथ ही साथ दिए गए इंस्टाग्राम आईडी पर ही फॉलो करें। तो चलिए दोस्तों, आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।